दोस्तों, कोडी रोड्स को पता चल गया है कि वो रोमन रेंस की तरह अकेले अपने दम पर WWE नहीं चला सकता, इसीलिए अब वो पॉल हेमन गाय बनना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पॉल हेमन गाय बनने से वो भी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की तरह फेमस सुपरस्टार बन जाएगा। तो क्या वाकई में पॉल हेमन गाय बनने से सुपरस्टार सही में फेमस हो जाते हैं, या फिर ये सिर्फ एक विचारधारा है? क्या ये बात सही है या गलत, ये सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आपको बता दें कि WWE के न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स ने हाल ही में पॉल हेमन गाय बनने के विचार के बारे में बात की है और अपनी इच्छा जाहिर करते हुए ये कहा है कि वो पॉल हेमन के साथ काम करना चाहते हैं। दोस्तों, SI मीडिया पॉडकास्ट को हाल ही में कोडी रोड्स ने अपना इंटरव्यू दिया है और उन्होंने अपने दूसरे जीवन काल में, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में अपनी नई स्टोरी लाइन या कैरेक्टर में कोडी रोड्स ने पॉल हेमन गाय बनने की इच्छा जाहिर की है। यही नहीं दोस्तों, कोडी रोड्स ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये भी बोला है कि वो पॉल हेमन द्वारा मैनेज किए गए अब तक के सबसे तगड़े और बेहतरीन रेसलर भी बन सकते हैं। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक ही सवाल होगा कि क्या वाकई में कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस से भी बेहतर पॉल हेमन गाय बन सकता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप बाकी चैनल से ये बात पूछोगे तो उनके पास वही घिसा पिटा जवाब होगा कि हाँ, अगर कोडी रोड्स को अच्छी स्टोरी लाइन और तगड़ा पुश मिले तो वो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की तरह एक बेहतरीन पॉल हेमन गाय बन सकता है, फलाना ढिंकाना। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि कोई भी सुपरस्टार पॉल हेमन गाय बनेगा तो वो फेमस हो जाएगा। दोस्तों, आप इतिहास उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉल हेमन गाय में जितने भी सुपरस्टार फेमस हुए हैं वो सभी के सभी देखने में तगड़े लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं और खतरनाक लगते हैं, पर्सनैलिटी से बिल्कुल रेसलर जैसे लगते हैं। फिर चाहे बात हो अंडरटेकर की, बिग शो की, ब्रॉक लेसनर की या फिर रोमन रेंस की, दोस्तों ये सभी रेसलर्स पॉल हेमन गाय बनने के साथ साथ देखने में तगड़े लगते हैं और रेसलर जैसे लगते हैं, तभी आज ये इतने फेमस हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, पॉल हेमन गाय तो कर्टिक्स एक्सल भी था, रोवन डैम भी था, हार्डकोर होली भी था और द डडली बॉयज भी थे, तो ये क्यों नहीं इतने फेमस हुए। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल और होगा कि CM Punk भी तो पॉल हेमन गाय था और फेमस भी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, CM Punk सिर्फ अपनी माइक स्किल्स और कंट्रोवर्सी के चलते इतना फेमस हुआ है। और रही बात कोडी रोड्स की, तो कोडी रोड्स ना तो देखने में इतना तगड़ा लगता है कि वो ब्रॉक लेसनर या रोमन रेंस की तरह पॉल हेमन के साथ चौड़ा होकर आएगा तो तगड़ा लगेगा। इसके अलावा कोडी रोड्स चलता भी बुड्ढों की तरह है, तो वो ब्रॉक लेसनर या रोमन रेंस की तरह एक खतरनाक हिल सुपरस्टार भी नहीं बन सकता। ना उसकी CM Punk की तरह माइक स्किल्स तगड़ी है और ना उसको ठीक से एक्टिंग करनी आती है कि उसकी फाइट देखने में रियल लगे, वो फाइट भी बच्चों की तरह करता है। दोस्तों, CM Punk की एक्टिंग भी तगड़ी है, उसको देखकर कम से कम लेजेंड्स वाली फीलिंग तो आती है। You are right, bro. तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि कोई भी सुपरस्टार पॉल हेमन गाय बनकर फेमस नहीं हो सकता। ऐसे तो कल को अकीरा तोजावा भी पॉल हेमन गाय बन जाएगा, तो क्या वो फेमस हो जाएगा? इसके अलावा दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस कोडी रोड्स को सेथ रोलिंस, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना और अंडरटेकर ने इतना पुश दिया है तब वो फेमस नहीं हुआ, तो पॉल हेमन गाय बनकर क्या वो घंटा फेमस होगा? तो दोस्तों, एक तगड़ा और फेमस सुपरस्टार बनने के लिए पॉल हेमन गाय के साथ साथ सुपरस्टार का खुद का तगड़ा होना भी जरूरी है कि वो देखने में रेसलर जैसा लगे और एक्टिंग भी रेसलर जैसी करे, तभी वो एक तगड़ा सुपरस्टार या तगड़ा पॉल हेमन गाय बन सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।